हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह एंड वेलकम टू द वेक्टर फैमिली। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक के अनसॉल्व सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को बहुत सारे और लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले आप नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और साथ में एक लॉग बुक होना जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि कुछ ऐसी कैलकुलेशन होंगी जो विदाउट लॉग पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समहाउ एन एंट इज स्टक टू द रिम ऑफ अ बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। बोला है एक साइकिल है आपके पास, उस साइकिल का व्हील दिया है, इस व्हील का डायमीटर दिया है 1 मीटर, डायमीटर दिया है 1 मीटर। बोला है कि एक चींटी है जो इस साइकिल के रिम में कहीं ऐसे फंस गई है, ऐसे एक चींटी फंस चुकी है। ठीक, व्हाइल द बाइसिकल इज ऑन सेंट्रल स्टैंड। अब साइकिल को आप सेंट्रल स्टैंड पे खड़ा रखा है, जो चींटी है वो हमारे पहिए में फंसी हुई है, रिम में। द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। आगे क्या दिया है कि अब आपने उस पहिए को घुमाना स्टार्ट किया तो फ्रीक्वेंसी कहां तक पहुंच गई है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी इन 10 सेकेंड, मतलब टाइम दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम दे दिया है। ठीक, विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, मतलब अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, वो है हमारा कॉन्स्टेंट। ठीक, क्लियर, इतना डेटा। आगे और क्या दिया है, अब क्या कैलकुलेट करने बोला है वो कैलकुलेट। सबसे पहला नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन दिस 10 सेकेंड। अगर 10 सेकेंड तक पहिया घूमता रहा तो चींटी ने कितने चक्कर लगाए, पहला चीज तो ये, पहला चीज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। दूसरा चीज पूछा है टाइम टेकन By it for the first complete revolution and last complete revolution। इसका मतलब कि जब चींटी ने पहला चक्कर लगाया तो उसको कितना टाइम लगा और जो लास्ट चक्कर लगाया उसमें उसको कितना टाइम लगा, ये निकालना है। तो दूसरा चीज पूछा है कि पहला चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम T1 और उसके बाद 10वां चक्कर लगाने में लगने वाला या लास्ट चक्कर, आप ऐसा समझ लो कि अभी तो पता ही नहीं कि कितने चक्कर लगा रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि लास्ट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज कि अगर बोला है अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो पहला काम यही करेंगे कि हम अल्फा निकाल लेंगे बराबर एक्सेलरेशन निकाल। तो यहां से देखेंगे कि ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है 2πn, 2πn की वैल्यू कितनी दी है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू हो गई 4π और यूनिट क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी है मतलब रेडियन पर सेकंड, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको काइनेमेटिक के इक्वेशन पता है, लीनियर मोशन के लिए काइनेमेटिक का इक्वेशन होता है v = u + at। यही फॉर्मूला जैसे ही रोटेशन में जाता है तो ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी, तो यहां क्या हो जाएगा ओमेगा 1 is equals to u मतलब initial velocity, इसको हम लोग लिखेंगे omega naught plus
ए है लीनियर एक्सेलरेशन, इसके जगह आएगा अल्फा और ये आएगा टी। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा। तो यहां से ध्यान देंगे, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ये आ चुका है हमारे पास। अब ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा वन की वैल्यू हमने यहां निकाल लिया है, कितना है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली जो साइकिल का पहिया है वो रेस्ट में रहा होगा, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो फाइनली अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा वन की वैल्यू है 4 पाई अपॉन, टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स, कैंसिल करो 2 2 5। अल्फा की वैल्यू आ गई 2π/5 और एक्सीलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज तो हो चुका है कि अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 2π/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। अगर अल्फा आ गया तो अब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा। अब बात समझना, अगर साइकिल का पहिया एक बार घूमेगा तो उसका कितना एंगल कंप्लीट करेगा, एक बार घूमने पर यहां से स्टार्ट करेगा तो एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री कंप्लीट किया। 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2π। क्या बोलते हैं, 2π। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो है 2π। ठीक, अगर मैं किसी तरह निकाल लूं कि 10 सेकेंड के अंदर उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया और उसको 2π से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं। तो सबसे पहला काम हमें निकाल लेते हैं कि 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक, ध्यान देंगे, वी नो दैट फॉर लीनियर मोशन s इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी को अगर हम रोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो s की जगह आ जाएगा थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट, t प्लस हाफ, a की जगह अल्फा, t बन गया फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। एकदम इजी। ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हो गई जीरो, तो थीटा इज इक्वल्स टू जीरो प्लस हाफ। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2π/5 इंटू t का स्क्वायर। टाइम हमको दिया है 10 सेकेंड तो t का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 ये हो जाएगा हमारा 20। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20π। थीटा की वैल्यू आ चुकी है 20π। ठीक, यूनिट ऑफ कोर्स हो जाएगा रेडियन। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि टोटल 10 सेकेंड में इसने डिस्प्लेसमेंट किया 20π जितना और एक चक्कर में 2π। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा 20π डिवाइड बाय पाई से पाई कैंसिल, तो यह हुआ 10। इसका मतलब 10 सेकेंड तक अगर उस आप पहिए को घुमाते रहे तो टोटल चक्कर आपने लगाया 10। इतनी कहानी क्लियर। अब आगे भी पूछा है चीज, आगे पूछा है कि पहला चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा है और लास्ट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आगे समझते हैं। नाउ टाइम फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन, टाइम फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन, पहला चक्कर लगा। तो मुझे बताओ, यही फॉर्मूला हम फिर से यूज कर सकते हैं।
जब पहला चक्कर लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? 2π जितना। एक चक्कर लगा है तो 2π जितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2π इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू अभी भी 0 है, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू हमारे पास है जो कांस्टेंट दिया है, तो अल्फा की वैल्यू 2π/5 और टाइम यही हमको निकालना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे t1 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे 2π से 2π कैंसिल, 5 × 2 हो गया 10, ये 10 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू t1 स्क्वायर। t1 स्क्वायर, तो यहां से t1 की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 10। इतना भी छोड़ सकते हो, बट अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.14 सेकंड्स। कितना आ जाएगा? 3.14 सेकंड्स। क्लियर है? देखो रूट निकालने का तरीका आपको मैं बता देता हूं, इसको नियरेस्ट नंबर में तोड़ दो, तो इसका जो नियरेस्ट नंबर है वो है जिसका रूट पता है आपको 9, तो इसको लिख सकते हैं हम 9 + 1। 9 का रूट क्या होता है 3 + 1, और ये जो भी नंबर आएगा यहाँ पे रूट की वैल्यू उसको डबल करके डिवाइड करो, तो 3 + 1/6। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 3.14। और जिनको ये चीज नहीं पता है तो वो लॉग भी यूज कर सकते हैं, रूट ऑफ 10 की वैल्यू 3.14 सेकंड आ जाएगी। इसका मतलब कि पहला चक्कर लगाने में उसको 3 सेकंड लगभग लग गए। अब पूछा है कि लास्ट चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है चलिए देखते हैं लास्ट चक्कर के लिए क्या कर सकते हैं। तो लास्ट चक्कर के लिए देखो क्या दिमाग लगाना है, हमको पता है कि टोटल 10 चक्कर लगाए और टोटल टाइम भी 10 सेकंड लग रहा है, तो एक काम करो 9 चक्कर में लगने वाला टाइम निकाल लो कि 9 चक्कर में कितना टाइम लगा और फिर 10 सेकंड में से माइनस कर देना, तो जितना टाइम बचेगा वही लास्ट चक्कर का टाइम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं फॉर 9 चक्कर, 9 रेवोल्यूशन। अब मुझे बताओ 9 चक्कर में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एक चक्कर में 2π तो 9 चक्कर में 18π। फॉर टाइम टिल 9th रेवोल्यूशन, टाइम टिल 9th रेवोल्यूशन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 18π इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ अल्फा, अभी भी कितना रहेगा 2π/5 और यहां क्या हो जाएगा टी टिल 9, ये 9 सेकंड तक का है और इसका स्क्वायर। फिर से ध्यान से देखेंगे, यहां से 2π से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9π, सॉरी π से π कैंसिल है, 5 × 2 = 10 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 = t9 का स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे तो t9 = हो जाएगा रूट ऑफ 90। इसको भी सेम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 9.5 सेकंड्स। इसका मतलब 9 चक्कर लगाने में उसे लगभग 9.5 सेकंड्स लग रहे हैं। अगर 9 चक्कर लगाने में 9.5 सेकंड्स तो टाइम फॉर 10th रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा 10 सेकंड माइनस 9.5 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 0.5 सेकंड्स। तो पहला चक्कर लगाने में उसको लगा 3.14 सेकंड, लगभग 3 सेकंड, और लास्ट चक्कर लगाने में उसको सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेकंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए आप शिफ्ट करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Coefficient of static friction between a coin and a gramophone disc is 0.5, जैसा मैंने यहाँ mention किया है, mu की value 0.5 है।
ग्रामोफोन क्या है उसकी इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। उसके बाद बोला है रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्क है इसका रेडियस मतलब कैपिटल आर मैंने बोला 8 सेंटीमीटर है, ठीक। बोला है इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, इसका मतलब एक सिक्का है, यहाँ पे एक सिक्का है जो इस डिस्क से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। आगे पूछा है एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर, अगर इस डिस्क को घुमाना स्टार्ट करेंगे तो सिक्का बाहर की तरफ फिसलेगा, तो पूछा है किस फ्रीक्वेंसी पे सिक्का फिसलना स्टार्ट हो जाएगा पहला चीज। फिर बोला है एट व्हाट मिनिमम स्टार्ट स्लिपिंग, आगे बोला है बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, और फिर बोला कि अगर ये सिक्का खिसकते खिसकते यहां तक आ जाए एकदम बॉर्डर पर तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा वो हमसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, चलिए ध्यान देंगे समझते हैं। सबसे पहली चीज जब ये घूमेगा सिक्का घूमेगा तो इस सिक्के पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका फॉर्मूला होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि रेडियस स्मॉल आर है तो यहां पर भी आर होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसको बचाने के लिए अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मतलब इसको बचाने के लिए फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए अंदर की तरफ, ठीक। 8 सेंटीमीटर दिया है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 10⁻²⁻ मीटर, और यहां पर भी रेडियस को भी कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻²⁻ मीटर, और क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि जी की वैल्यू लेना है हमको पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा। अब जरा ध्यान से आप देखोगे तो अगर स्टार्ट स्लिपिंग है मतलब जब तक ये दोनों बराबर है, ठीक है, जैसे थोड़ा सा भी चेंज आएगा तुरंत ही सिक्का स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब हमको इक्वेट कर देना है फ्रिक्शनल फोर्स को किसके किसके साथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है म्यू एस इंटू एन इज इक्वल्स टू यहां क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर के, ठीक। अब हमको पता है नीचे की तरफ लगता है mg और ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां से हम लिख सकते हैं n किसके बराबर है mg के, तो इस n के जगह आ जाएगा mg, तो फाइनली म्यू एस mg इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर, m से m कैंसिल हो गया तो फाइनली म्यू एस into g is equals to omega square r। अब जरा ध्यान से समझना, एग्जाम या क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा है तो हमको पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2πn और n का मतलब यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक। इसका मतलब इस ओमेगा के जगह हम पुट कर सकते हैं 2πn, तो फाइनली म्यू एस into g is equals to 2πn का square into r। यहां तक एकदम इजी, आगे समझते हैं तो क्या हो जाएगा mu s into g is equals to 4πn square n square into r, ठीक है। हमको क्या चाहिए frequency चाहिए, तो n square is equals to क्या हो जाएगा 4n square is equals to ये इस साइड चला जाएगा डिवीजन में, तो mu s g upon 4 pi square into r, therefore n is equals to root of mu s into g upon 4 pi square into r। ये आ गया हमारा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के। अब हमारे पास सारा डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है, अंडर रूट म्यू एस की वैल्यू दी है 0.5, जी की वैल्यू खुद ही क्वेश्चन में मेंशन किया है जी की वैल्यू लेना है हमको पाई स्क्वायर, तो जी की वैल्यू हमने लिया पाई स्क्वायर इधर है 4 इंटू पाई स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास आर की वैल्यू है 2 × 10⁻²⁻ 2 × 10⁻²⁻ ये इसके साथ कैंसिल हो गया
ठीक है, n इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1 बाई 2 इंटू 4 यहां पहले से है इंटू 2, ये 10 रेस टू माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 रेस टू 2 हो जाएगा मतलब प्लस 2, 10 रेस टू 2 मतलब 100, तो फाइनली ये कितना हो गया 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 25, तो n की वैल्यू अंडर रूट 25 अपॉन 2 इंटू 2 4, ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा ये n की वैल्यू 25 का रूट क्या होता है 5 और 4 का रूट होता है 2, तो फाइनली n की वैल्यू आई 2.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर हम सिक्के को ग्रामोफोन के डिस्क को इस फ्रीक्वेंसी पे घुमाएंगे मतलब अगर एक सेकेंड में 2.5 चक्कर लगाएगा वहां तक पहुंचेगा तो जो सिक्का है वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, आगे भी क्वेश्चन में पूछा है, आगे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये सिक्का फिसलते फिसलते यहां आ जाए तब ये फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं, अगर सिक्का फिसलते फिसलते यहां आ जाए तो फ्रिक्शन तो भी सेम रहेगा, फ्रिक्शन अंदर के साइड तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं हम, पहले जो फ्रिक्शन था तो फोर्स लग रहा था m ओमेगा स्क्वायर r क्योंकि सिक्का स्मॉल r पे था, अब अगर सिक्का फिसलते फिसलते कहां पहुंच चुका है रिम पे तो स्मॉल r अब किसके बराबर हो जाएगा, गेस करो, कैपिटल r के, क्योंकि अब सिक्का फिसल के बॉर्डर पे आ चुका है मतलब एंड पे आ चुका है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, तो फाइनली m यहां था ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी, यहां था ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 r इज इक्वल्स टू m ओमेगा 2 स्क्वायर r, m से m कैंसिल, ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं 2 पाई एन 1 स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू यहां हो जाएगा 2 पाई एन 2 स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन 1 स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एन 2 स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा n1 square r is equals to n2 square capital R, हमको किसकी वैल्यू चाहिए n2 की वैल्यू, तो अरेंज करो r upon r is equals to n2 upon n1 का होल स्क्वायर, तो यहां से n2 by n1 is equals to under root r upon r, यहां तक आ चुका है। ठीक, सिंपल, अब हमारे पास स्मॉल r की भी वैल्यू है और कैपिटल r की भी वैल्यू है, तो n2 upon n1 is equals to स्मॉल r की वैल्यू है 2 into 10 raise to minus 2, कैपिटल r की वैल्यू है 8 into 10 raise to minus 2, ये कैंसिल हो गया, ये होगा 1 by 4, तो n2 by n1 is equals to root of 1 by 4, तो n2 by n1 is equals to root निकले लेंगे तो 1 by 2 हो जाएगा, 1 का root 1, 4 का root 2, तो finally n2 is equals to 1 by 2 of n1, n2 is equals to n1 by 2, इसका मतलब जो भी frequency पहले थी ये उसकी just आधी हो जाएगी final frequency। तो ये हो गया हमारा second numerical भी solve, एक बार आप इसका screenshot ले लीजिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर, एक रेसिंग ट्रैक है जिसका रेडियस दिया है 72 मीटर, वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर,
नॉट रिकमेंडिंग मतलब इससे ज्यादा स्पीड पे नहीं जा सकते, इसका मतलब हमको दिया है वी मैक्स दिया है 216 किलोमीटर पर आवर, ठीक। उसके आगे दिया है विथ व्हाट एंगल शुड बी द रोड इज टिल्टेड, एंगल कितने एंगल पे टिल्टेड है मतलब थीटा पूछा है, एंगल ऑफ बैंकिंग, बाय व्हाट हाइट विल इट इट्स आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज ऑफ द ट्रैक इज 10 मीटर। आप समझते हैं, देखो बैंक रोड कुछ ऐसी होती है, ऐसी हम लोग दिखाते हैं, ये हमारा होता है थीटा, ये ट्रैक की वैल्यू दिया है हमको कितना दिया है 10 मीटर और ये हाइट हमसे पूछा है, तो दो चीजें पूछी है, सबसे पहले थीटा पूछा है और फिर हाइट पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम इजी सा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको बैंक रूट का फॉर्मूला, पहले तो इस चीज को कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 216 इनटू, सबको पता है कन्वर्जन के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 12 गुना, 12 इंटू 5 हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो वी मैक्स की वेलोसिटी आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमको पता है फॉर्मूला वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो यहां से हमको थीटा निकलना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, यहां से टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी या ऑफ कोर्स स्मॉल आर जी, ठीक है, ठीक। हमारे पास सारा वैल्यू है, जी का वैल्यू आप नहीं दिया है कुछ तो टेन अज्यूम कर सकते हो, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर मतलब 60 × 60, आर की वैल्यू कितनी है 72 इंटू जी की वैल्यू हमको ले लेना है 10, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 टाइम, ये हो जाएगा 12 टाइम मतलब 12 और ये हो जाएगा 5, मतलब थीटा की वैल्यू आ चुकी है, टैन उस साइड चला जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ 5, ठीक है, थीटा की वैल्यू आ चुकी है टैन इनवर्स ऑफ 5। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करना लॉग बुक, उसमें आपको जाना है नेचुरल टेंजेंट में, वहां जाएंगे और फिर देखिए कि उस पूरे टेबल में चार्ट जो दिया है उसमें 5 किस पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा है, ठीक है, जैसे ही आप ये पता करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां पे मैं अगर कैलकुलेट कर लूं तो कितना आएगा, यहां पे टेन इनवर्स ऑफ 5 तो ये हो जाएगा 78 डिग्री और 69 मिनट, तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है 78 डिग्री एंड 69, ठीक। सेम चीज आप लॉग बुक में भी जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, क्लियर है ना। सेकंड चीज भी हमको पूछा है कि हमको क्या निकालना है, एच मतलब हाइट निकालना है, तो अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू है तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे साइन थीटा लगा दूं तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको मैंने बोला एस, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट है एच, हाइपोटेनियस है आपका एस, ठीक है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो यहां से एच इज इक्वल्स टू एस इस साइड चला जाएगा एस साइन थीटा, ये आ चुका है हमारे पास, इसका मतलब एच इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू है 10, साइन थीटा की वैल्यू 78 डिग्री 69 मिनट। अब फिर से यूज लॉग बुक, फिर कहां जाना है आपको, नेचुरल साइन में, और वहां जाके देखना है कि 78 डिग्री और 69 मिनट में वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू ऑफकोर्स कितनी आएगी, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, तो साइन 78 69, तो ये आएगी 0.9805 10 इंटू
0.9805, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो एच की वैल्यू 9.80 मतलब 9.8 मीटर। ये आ चुकी है आपकी हाइट। सिंपल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रोड इन द क्वेश्चन 14, मतलब इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किया है। As per requirement, the coefficient of static friction between the tires of a vehicle and this road is 0.8. मतलब यहाँ पे देखो ये safest velocity था तो यहाँ पे कोई friction की जरूरत नहीं थी, but यहाँ पे अभी आपको friction भी दे दिया है, तो mu की value आपको दे दिया है 0.8 और आपसे question पूछा है by how much can be upper speed limit exceed in this case? ठीक है, lower speed और upper speed दोनों निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले v लोअर, ठीक है, निकाल लेते हैं। और ध्यान देंगे, पहले ही बता दूं कि थीटा की वैल्यू 78 डिग्री है, इसका मतलब थीटा जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, और अगर थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा इसका मतलब v की अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, v की अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी तक जा सकती है, बराबर। बट v की हम सिर्फ लोअर लिमिट ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं v की लोअर लिमिट। क्वेश्चन सेम है, डेटा भी सेम है, ठीक है, कैलकुलेशन सिर्फ हमारा फॉर्मूला चेंज होगा बस, और कुछ नहीं। चलिए समझते हैं। अब देखो हमसे पूछा है कि v मिनिमम लोअर, तो v मिनिमम का फॉर्मूला हमको पता है अंडर रूट RG, फिर ब्रैकेट tan थीटा माइनस μs डिवाइड बाय 1 प्लस μs tan थीटा, ये हमारे पास है। तो v मिनिमम इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यू है हमारे पास, R की वैल्यू दिया है 72, G की वैल्यू लेना है 10, tan थीटा, अब ध्यान रखना अभी हमने निकाला था कि tan थीटा मतलब tan 5 आया था, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस μs की वैल्यू कितनी दी है 0.8 अपॉन 1 प्लस μs कितना है 0.8 इंटू tan थीटा, फिर से कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये tan थीटा 5 कहते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लेंगे, देखेंगे जहां हमने थीटा कैलकुलेट किया था तो उसकी वैल्यू थी 5। आगे सब, अरे यार दो बार रूट क्यों लगा दिया, सिंगल हां एस सिंपल। तो v मिनिमम इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 720, 5 माइनस 0.8 ये हो जाएगा हमारा 4.2 अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 5 ये हो जाएगा 4, ठीक है करेक्ट। अब आगे क्या कर सकते हैं, हाँ तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, तो v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 720 इंटू 4.2 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे इसको, तो v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 से कैंसिल करेंगे, 5 अंडर 5 कितना बचा 2 इधर, फिर 720 5 अंडर 5 2 20 2 फिर से कितना आएगा 0.54, तो ये कितना हो गया 144 इंटू 4.2, ठीक है 144 इंटू 4.2 इतना तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है, तो 140 एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि वीडियो आपका टाइम सेव हो जाए,
तो ये हो जाएगा हमारा 604.8। तो v minimum is equals to 604.8, ठीक है। अब इसका रूट कैसे क्या करोगे? देखो, नहीं तो आप लॉग बुक यूज करो, रूट निकालने आपको लॉग से आना चाहिए। नहीं तो मैं देखो एक तरीका बताता हूँ, इसको अप्रोक्सीमेट कर लो ना, 605। अप्रोक्सीमेट कर लिया 605। अब अगर ये 605 हो गया तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तरीका बताया था, इसको तोड़ दो। तोड़ दोगे कौन से, जिसका रूट आपको पता हो। तो आपको रूट पता है किसका, 625 का रूट पता है, और ये कितना कम है, 20। 625 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा, 625 का रूट कितना होता है, 25, 20, और ये डबल करके डिवाइड कर दो, 25 का डबल 50, तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2 बाय 5 का मतलब 0.4, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 25 माइनस 0.4 24.6, ये आएगा लगभग 24.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आया मेरी ट्रिक से, और अगर मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाऊं तो कितना आएगा, आप भी कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, 604.8, ठीक है। तो एकदम एग्जैक्ट मेरा जो ट्रिक है वो आपके कैलकुलेटर में जो आंसर आ रहा है वही सेम आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेटर का मैं आंसर बता देता हूँ, अगर आपको जानना ही है, कैलकुलेटर का आंसर है 24.59268183, मतलब 24.6। तो कैलकुलेटर की वैसे आपको खास जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये मेरा तरीका रूट निकालने का अप्लाई करोगे, ठीक। अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बुक में आप देखोगे आंसर तो समथिंग 88 करीब दिया है। तो देखो ये मीटर पर सेकंड में आया है ना, और आंसर वहां किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर दो, 24.6 इंटू, यहाँ क्या दिए थे आप 5/18 से, इसका उल्टा करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो आई थिंक आप इतना तो कर ही लोगे, आप मल्टीप्लीकेशन इतना आ जाएगा आपको, तो फाइनली जो आंसर आएगा, अगर आप 24.6 इंटू 18 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 88.56 किलोमीटर पर, और यही आपके बुक का आंसर है। ध्यान रखना, ट्राई किया करो कि लॉग बुक कम से कम यूज करो, लेकिन अगर आपको यूज करना है तो ये तरीका मैंने बता दिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज अंडर टेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इनसाइड अ सिलिंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर। सिंपली ये क्वेश्चन है मौत के कुआं, वेल ऑफ डेथ का, ठीक है, एकदम इजी सा है। सबसे पहले रेडियस दिया है 6.05 मीटर, ठीक। उसके बाद आगे बोला है इफ नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, अच्छा म्यू की वैल्यू दिया है आपको 0.5। हाउ मच मिनिमम स्पीड वुड बी स्टंट आर्टिस्ट, ठीक है, वेलोसिटी पूछा, मिनिमम वेलोसिटी पूछा आपसे कितनी होनी चाहिए, और फिर पूछा है इफ ही और शी इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ 20% हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, और आपको मास दिया है 50 kg, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत इजी सा है, इधर ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, ये है हमारा सिलिंड्रिकल वेल ऑफ डेथ, यहाँ पे ऐसे कोई गोल घूम रहा होगा, यहाँ पे हमारा व्हीकल है, नीचे की तरफ हमारा लगता है वेट, ऊपर की तरफ लगता है फ्रिक्शन, अंदर की तरफ है नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ हम अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी, हमको इसका फॉर्मूला पता है, वी मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, ये होता है हमारा फॉर्मूला। वी मिनिमम निकालना है हमें, तो आर की वैल्यू कितना दिया है 6.05, जी की वैल्यू लेना है 10, म्यू एस की वैल्यू दिया है 0.5, ठीक। तो हो जाएगा वी मिनिमम इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम इतनी फोकस की जरूरत है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 60.5 अपॉन, ये है 0.5, तो v मिनिमम इज इक्वल्स टू 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 60.5 डिवाइड बाय 1/2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 60.5 इनटू 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 का डबल होता है 120.5, मतलब 121 का रूट हो जाएगा 11. फाइनली आंसर आ गया 11 मीटर पर सेकंड. अब बोला है कि अगर स्पीड को 20% से बढ़ा दिया जाए तो फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ेगा. तो ध्यान से देखेंगे, फ्रिक्शन बराबर होता है mg के, ना कि स्पीड का, उससे कोई लेना देना नहीं होता. तो फ्रिक्शन किसके बराबर है, mu s into n, और ये वैल्यू बराबर है mg के. तो m की वैल्यू कितनी है 50 और g की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा हमारा 500. सिंपल. तो ये हो आ चुका है हमारा v मिनिमम, ये आ चुका है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू. स्क्रीनशॉट ले लेंगे. तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर. एक चीज याद, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा होंगी. ठीक है, तो बोला है एक पेंडुलम है जिसमें जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर. लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर. सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.2 मीटर हो जाएगा. उसके बाद बोला है एट अ टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम. तो बॉब का मास दिया है 100 ग्राम, इसका मतलब हो जाएगा 0.1 केजी हो गया. ठीक. उसके बाद बोला है सेट अप एज अ कॉनिकल पेंडुलम. ठीक है, इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम. फ्रीक्वेंसी दी है 75 आरपीएम. आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको आरपीएस में. तो ये हो जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा 4 टाइम, मतलब 5/4 आरपीएस. ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी. ठीक, अगर फ्रीक्वेंसी आ गई है तो टाइम पीरियड होता है 1/ फ्रीक्वेंसी, मतलब हो जाएगा 4/5 सेकेंड्स. तो फ्रीक्वेंसी आ गई तो हमारे पास टाइम पीरियड भी हमको पता चल जाएगा. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड करना है, फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी. ठीक, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज्ड इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां पूछा है तो हो जाएगा एम जी एल माइनस एच. ठीक, अब ध्यान से देखेंगे. तो मैंने यहां पे ये पेंडुलम बना दिया, कॉनिकल पेंडुलम. ठीक है, ये ऐसे रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, यहां एंगल हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगी हाइट एच, और ये वाला हो जाएगा हमारा रेडियस. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना है. इसी की मदद से अभी हमको पूरा सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए समझते हैं. तो देखो क्या क्या कहानी. सबसे पहला चीज है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर. एम का वैल्यू तो है हमारे पास, इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, वी. वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा. इसका मतलब v निकालने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा r और फिर थीटा, दो चीजें निकालनी है. और साथ में यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना, तो हमको h भी निकालना पड़ेगा. इसका मतलब मेन हमारा जो काम है वो है r, थीटा और h निकालना. गेस करो किस चीज से निकलेगा. तो हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको पता होता है 2π अंडर रूट l cos theta by g. ये हमारे पास फॉर्मूला है. क्या g की वैल्यू कुछ लेने बोली है क्वेश्चन में, शायद. तो g मतलब पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, मतलब g की वैल्यू भी आप 10 ही लेके चलो फिर. g की वैल्यू 10 या फिर पाई स्क्वायर, ये लेते हैं. ठीक है, चलिए समझते हैं. सबसे पहला चीज हमारे पास t की वैल्यू है कितनी, 4/5 इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट l cos थीटा बाय g. दोनों साइड स्क्वायर कर दो क्योंकि ये रूट हटाना है हमें. तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 पाई स्क्वायर
एल कॉस थीटा बाय जी की वैल्यू क्या सिंपली ले लो, पाई स्क्वायर। तो फाइनली पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसल, 4 4 जा 16, तो ये क्या आ गया 4/25 इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। एल की वैल्यू दिया है 0.2, तो 4/25 एल मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर इनटू एल इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/25 इनटू एल की वैल्यू कितनी दी है 0.2, तो ये हो जाएगा 4/25 इनटू 0.2 4/5 cos theta is equals to 4/5 का मतलब 0.8, तो यहां से theta की वैल्यू cos inverse of 0.8, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या यूज करोगे, theta की वैल्यू log book यूज करोगे, ठीक। तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं कि cos inverse of 0.8 आता कितना है, ठीक है। तो एक सेकेंड, कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 ये आएगा 36 degree 86 minutes, थीटा की वैल्यू 36 degree and 86 minutes, ठीक है। लॉग बुक में आपको नेचुरल कोसाइन में जाना है, नेचुरल कोसाइन, और वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमको एच भी पता चल सकता है, एच की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो एल कॉस थीटा होती है, एच की वैल्यू क्या होती है एल कॉस थीटा, और यहां से देखो यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एल कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/25 इज इक्वल्स टू एच। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ध्यान से देखेंगे, 4/25 को मैं लिख सकता हूँ 100/4, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 16/100, तो मतलब 0.16 meters, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.16 meters, मतलब थीटा भी हमने निकाल लिया, h भी निकाल लिया, अब थर्ड चीज बचा है r निकालना, ठीक। r की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो यहां ध्यान देंगे r की वैल्यू के लिए आप लगा सकते हो cos थीटा लगा सकते हो यहां पे, तो cos थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा sin थीटा लगाओगे, sin थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल में जरा sin थीटा लगा के देखेंगे, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या है r, हाइपोटेन्यूज क्या है l, तो यहां से हमको r की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू l sin थीटा, R is equals to L की वैल्यू है 0.2 और इनटू साइन थीटा की वैल्यू 36 degree 86 minutes, इसकी वैल्यू भी सेम नेचुरल साइन में जाएंगे, आप नेचुरल साइन में जाएंगे लॉग बुक में आपको मिल जाएगा साइन 36 86 की वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.59 समथिंग आएगी, तो हम उसको 0.6 अज्यूम करके चलेंगे, तो 0.2 इसकी वैल्यू आएगी 0.6, तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.12 meters। इसका मतलब जो जो मेन टास्क थे सब हमने परफॉर्म कर लिए, कि हमने एच भी निकाल लिया, ये रही हमारी एच की वैल्यू, r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, थीटा एच और r, अगर इतना आ चुका है तो अब हमारा काम लगभग लगभग हो चुका है। अब हम निकालेंगे v की वैल्यू, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg tan थीटा, ठीक है। r की वैल्यू है हमारे पास 0.12, g की वैल्यू हम लेंगे 10 और tan 36 86 की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, tan 36 86 इसकी वैल्यू 0.7497, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.7
75। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इनटू 0.75 है। 0.75 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4, इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 0.3 टाइम्स। 0.3 इनटू 3 तो ये हो जाएगा 0.9 हो जाएगा वी स्क्वायर की वैल्यू। वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.9। मैं डायरेक्ट वी की वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट हमको वी स्क्वायर ही चाहिए, तो डायरेक्ट पुट करते हैं। अब हम बढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम की वैल्यू दिया है हमारे पास 0.1 और वी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाला 0.9। सिंपल, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 9 × 10⁻²। कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 4.5। दो पॉइंट शिफ्ट करेंगे 0.8.2 0.45 और यूनिट आएगी जूल। ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है MgL माइनस H। M की वैल्यू है हमारे MgL माइनस H। M की वैल्यू है कितना है मास 0.1, G की वैल्यू है 10, L की वैल्यू है L लेंथ दिया है 0.2 और हाइट हमने यहां पे निकाली है 0.16। तो 0.1 × 10 ये सिंपली हो जाएगा 1 × 0.2 − 0.2 ये हो जाएगा 0.04। तो फाइनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 0.04 जूल। तो यही दोनों चीजें इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी और इन दोनों चीजों को हमने कैलकुलेट कर लिया है। थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो को आप मल्टीपल बार रिवाइंड करके देखिए और जो थीटा वगैरह की वैल्यू है उसके लिए आप लॉग बुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बोला है अ मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेथ। A speed of the motorcyclist varies between 6 m/s and 10 m/s. ठीक है, calculate the diameter of the sphere of death. ठीक है, एक मैंने sphere of death बना लिया। ठीक है, बोल रहा है इसकी जो speed है वो दो range में vary कर रही है, 10 m/s और 6 m/s, इन्हीं के बीच में इसकी speed घूम रही है। हमको निकालना है डायमीटर निकालना है और फिर वी मिनिमम निकालना है। ठीक है, टॉप पे और लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, यहां पे और यहां पे। ठीक है, ये दोनों चीजें हमको निकालनी है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, हमको पता है हाफ एम, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट बी, बराबर। तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच होता है ना, एम जी एच। एम जी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी। ठीक है, यहां से यहां तक की p वैल्यू हो जाएगी 2r, mg 2r हो जाएगा। ठीक है, चल समझते हैं। दोनों जगह से हाफ m कॉमन आ जाएगा तो vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2mgr। m से m कैंसिल हो गया तो इस साइड चला जाएगा vb square minus va square is equals to 4gr। अब vb square की वैल्यू कितनी है 10 square, va square है 6 square, 4rg 10 square minus 6 square 100 minus 36 is equals to 4rg। ये हो जाएगा हमारा 100 minus 36
64 4 rg 4 4 16 is equals to rg r की वैल्यू 16 by 10 r की वैल्यू 1.6 मीटर r आ चुका है हमसे डायमीटर पूछा है डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 2 into 1.6 तो ये हो जाएगा 3.2 मीटर डायमीटर आ गया है अब हमसे पूछा है वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है अंडर रूट 5 आरजी अंडर रूट 5 आरजी की वैल्यू है हमारे पास 16 का रूट 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा है वी अपर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है अंडर रूट आरजी आरजी की वैल्यू है 16 आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड ठीक तो एक आंसर आया ये आपका 3.2 फिर 4 मीटर पर सेकेंड और फिर 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड ठीक है बहुत इजी न्यूमेरिकल था ठीक है आई होप आपको समझा होगा स्क्रीनशॉट आप इसका लेकर चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बोला है अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 केजी हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मेटालिक रिंग है ठीक है इसका मास दिया है 1 केजी और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं इसकी वैल्यू दिया है 1 केजी मीटर स्क्वायर When it's rotating about one of its diameter, मतलब ऐसे इसके about इस अपने diameter के about ये rotate कर रहा है, ठीक है? ध्यान रखना moment of inertia of a ring about its diameter का formula होता है half mr square, ठीक है? It is molten and remolded into a thin uniform disc. ये है हमारे पास disc. इसको पिघला के एक disc बना दिया गया. जिसका रेडियस सेम है ऊपर जैसा और मास भी क्या हो जाएगा सेम क्योंकि सेम मेटल से बना हुआ है सेम सब्सटेंस से बना हुआ है हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी ठीक है हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इसके मतलब इसके अबाउट बराबर खुद के एक्सिस पे तो इसका फॉर्मूला भी होता है आई इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर अब ध्यान से समझेंगे रेडियस भी सेम है फॉर्मूला भी सेम है मास भी सेम है इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही होगा आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा एकदम छोटा सा थ्योरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन था खत्म चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोला क्या है कि एक डंबल है ठीक है यहां पे मैंने डंबल बनाया हुआ है तो एक डंबल है जिसमें ये जो दोनों स्फीयर है इनका वजन दिया है 25 ग्राम इसका भी 25 ग्राम और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर बीच में यहां पे रॉड लगा हुआ है इस रॉड का मास दिया है 60 ग्राम और इस रॉड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर ठीक है तो आपको आपसे पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड के सेंटर के अबाउट जब इसको घुमाओगे ऐसे ये है डंबल यहां एक मास है यहां एक मास है तो इसको अगर इसके सेंटर के अबाउट ऐसे घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी वो पूछा है हमसे ठीक है तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड का फॉर्मूला होता है ml²/12 और यहां पे जो हमारे पास स्फीयर है उसका फॉर्मूला होगा 2/5 mr² तो ध्यान से देखेंगे सबका नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सबको ऐड करना पड़ेगा तो सबसे पहले यहां जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रॉड का तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12 उसके बाद प्लस करेंगे इसका और इसका तो कितने आपके पास स्फीयर है दो तो दो स्फीयर होंगे अब ध्यान रखना स्फीयर के सेंटर के अबाउट तो पूछा नहीं है इस स्फीयर के सेंटर के इस एक्सिस के अबाउट पूछा है यहां मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा क्योंकि दो एक्सिस एक दूसरे के क्या है पैरेलल तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको पता है क्या होता है आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा आई नॉट इसके लिए स्फीयर के लिए और ये हो जाएगा आई सी ठीक है और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा यहां से लेकर यहां तक का एच बराबर तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर आई सी की वैल्यू आई सी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है 2/5 mr² प्लस एम एच स्क्वायर एम एच की वैल्यू कितनी है देखो एच 10
10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, मतलब 20 का स्क्वायर। ठीक, अब सारी वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल M मतलब मास ऑफ अ रॉड 60 इनटू L कितना है 20 का स्क्वायर बाय 12 प्लस 2 टाइम्स 2/5। स्मॉल m मतलब मास ऑफ अ स्फीयर कितना है 25 और रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर 100 प्लस फिर से स्मॉल m मतलब 25 इनटू 20 का, तो इधर हो जाएगा 400। एकदम सिंपल। अब देखो ध्यान से, इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 5 टाइम्स, तो हमारा आएगा आंसर 5 इनटू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 टाइम्स 2/5, इधर डाल देंगे 5 जा, तो 5 इंटू 10 इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख देते, देखो 5 इंटू 5 ये 25 हो गया, 5 इंटू 2 10 इंटू 100 1000, ये वैल्यू आ गई 1000। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 400 और फिर 20, मतलब ये हो गया 10000। ठीक है, ये हो गया हमारा 10000। 10000 प्लस 1 कितना होता है 5 इंटू 4, ये हो गया 2000 प्लस ट्वाइस ऑफ 10000 प्लस 1000, ये हो जाएगा 11000। 11000 का दो गुना होता है 22000 प्लस 2000, 22 प्लस 2 24000, ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यूनिट क्या आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है 24000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइंड करके, ताकि अच्छे से आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ये है अ फ्लाई व्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अ अर्थनवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 आरपीएम। तुमने वो मिट्टी बनाने वाले देखे होंगे जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी से, है ना, तो उसमें उनके पास एक चाक रहता है ना, उस चाक के ऊपर वो मिट्टी रखते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं, बराबर। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ऐसे यहाँ पर ऐसे चाक हो गया, बराबर। ठीक, उसके बाद बोला है इसको, उस चाक को वो घुमा रहा है, तो उसकी इनिशियल रोटेशन दिया है आपके पास, इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया है 100 आरपीएम आरपीएम, तो ये इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आरपीएस में, तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसको कैंसिल करो 25 जा और ये 3 जा, तो कितना हो गया 5/3 आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड्स। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, डिस्क के फॉर्म में है, ऑफ कोर्स ये डिस्क ही होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। अच्छा, मास दिया है इसका कैपिटल एम, मास दिया है 10 kg, ये जो चाक है इसका मास दिया है 10 kg एंड रेडियस दिया है 0.4 मीटर चाक का रेडियस। फिर बोला है कि अब इसके ऊपर मिट्टी, ऐसे मिट्टी उठा के यहां रख दी गई, यहां पे ऐसे मिट्टी कहीं रख दी गई और ये इसका सेंटर है, यहां पे ऐसे मिट्टी बहुत सारी रख दी गई और कितना मिट्टी रखा गया है, तो बोला है अ लंप ऑफ क्ले ऑफ मास 1.6 kg, तो 1.6 kg मिट्टी रख दी गई है, फॉल्स ऑन इट एंड चिपक गई, अब ये मिट्टी उठाए चाक के ऊपर रख दिया। फिर बोला है कि फिर से चाक को घुमाना स्टार्ट किया, कितने आरपीएम पे 80 आरपीएम पे, तो फिर से वही चीज 80/60 करना पड़ेगा, 80/60 तो ये हो जाएगा 4 जा 3 जा 4 जा 3 जा, तो आरपीएस तुम्हारे पास ये भी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछा है कैलकुलेट एक्स इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 आरपीएम। बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है कि जो भी मिट्टी को रखा गया है वो कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, ये हमसे पूछा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, ये पूछा है हमसे। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला चीज, अगर तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है तो तुम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, वो होता है 2πn1 हो जाएगा और ओमेगा 2 हो जाएगा 2πn2। ठीक है, तो 2πn1 की वैल्यू कितनी है 5/3, तो मतलब ये हो जाएगा 10 pi by
3 रेडियन पर सेकंड. सिमिलरली 2π × 4/3 8π/3 रेडियन पर सेकंड. ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई है. अब हमको पता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. I1 ω1 = I2 ω2. I1 मतलब इनिशियली सिर्फ डिस्क था, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है, mr² तो ये हो जाएगा mr² / 2. ये हो गया I1 की वैल्यू. ω1 दिया है आपको 10π/3 = I2. अब मिट्टी भी रख दिया है साथ में, तो मिट्टी भी रख दिया तो सबसे पहले तो एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का प्लस mh². अब m किसका, मिट्टी का, m और x square. ये हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपके उस चाक के ऊपर मिट्टी भी रखा था. तो ये हो गया डिस्क का और ये हो गया mx², तो मास है ये किसका, मिट्टी का, और ये कैपिटल m, मास किसका है, चाक का. x हमको निकालना है. ओमेगा 2 की वैल्यू है 8π/3. ठीक है, अब सारी वैल्यू आपको पुट कर देनी है. तो m का वैल्यू है आपके पास कैपिटल m है मतलब 10 × r दिया है 0.4² / 2. ठीक है, इंटू 3 से 3 पहले ही उड़ा दो यहां पे, इंटू पाई से पाई भी कैंसिल. ठीक है, यहां से 2 × 4 = 2 × 5 = ठीक. तो ये सिंपली क्या बचा, 5 = यहां पे भी हो जाएगा सेम चीज 10 × 0.4² / 2 प्लस m, स्मॉल m है 1.6x² × 4. ये वाला भाई अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 × 5 = तो फाइनली वैल्यू क्या क्या है, 5 × 0.4² × 5, तो 5 × 5 = 25 × 0.4² = इधर क्या क्या बचा है, इधर है हमारे पास फिर से यही चीज कैंसिल हो जाएगा. तो 5 × 0.4² प्लस 1.6x² × 4, ये चीज है. अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 × 4 × 10⁻¹² और इधर सेम चीज चल रहा है, 5 × 4 × 10⁻¹² 1.6x² × 4 क्या हो जाएगा, 25 × 4² = 16, 10⁻², इधर भी 5 × 4² = 16 − 2 प्लस 1.6x² × 4, 4 × 4 = 16. तो देखो क्या हो जाएगा, 25 × 4 मतलब 100 − 2 = इधर क्या हो जाएगा, 16 × 5 = 80 − 2 प्लस 1.6x². तो ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि 4 तो नहीं रहा. ये क्या हो जाएगा, 1, देखो 10⁻², 10⁻², 1, ये वैल्यू हो जाएगी 0.8 = 1.6x². इसको इधर ले लो, 1 − 0.8 = 1.6x², 1 − 0.8 = 0.2 = 1.6x², 1.6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 0.2 × 1.6 = x², पॉइंट को शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 2/16, 1/8, इसका मतलब x की वैल्यू √1/8, तो सिंपली 1/√. ये हो जाएगा आपका आंसर. और ऑफ कोर्स सारी चीजें अगर मीटर में है तो ये भी आ जाएगा. तो ये आ चुका है आपका x का वैल्यू जिसकी वैल्यू है 1/√8. आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझा होगा.
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ अब इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ये है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइंड दैट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5 अलोंग इट। अब समझना ध्यान से, बोला है राइजेस बाय 3 इन एवरी 5 इन एवरी 5। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अब मान लो ये मेरा सरफेस है और इसके ऊपर यहां से इस जहां से इसका कैप है वहां से मैंने एक बॉल को लुढ़काना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे बॉल यहां लुढ़क के आ रहा है ये जो मार्कर है इसकी हाइट बढ़ते जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ये एक यूनिट इधर बढ़ा, एक यूनिट, दो यूनिट, अगर ये 5 यूनिट इधर बढ़ा होगा बॉल, तो जो मार्कर है वो 3 यूनिट ऊपर गया होगा। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसा हो गया होगा, ठीक है, ऐसे राइज होते होते इंक्लाइन हो गया। और बोला है कि राइजेस बाय 3 मतलब ये वैल्यू 3 हो गई होगी, और एवरी 5 मतलब ये वाली वैल्यू जो घूम घूम के आई ये वैल्यू होगी 5, ठीक, ये वैल्यू हो गई थीटा। ऑफ कोर्स अगर ये वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 5, सिंपल, ठीक। आगे क्या बोला है, आगे बोला है द ऑब्जेक्ट गेन्स अ स्पीड ऑफ √10 meter per second, √10 meter per second एंड इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5/3। ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस उसने बोला है कि सिर्फ कितना कवर किया है 5/3 meter, What can be the possible shape of an object? Shape पूछा है, ठीक है? Shape के लिए हम use करेंगे relationship between radius of gyration and radius k square by r square को use करेंगे। तो देखो क्या है हमारे पास? हमारे पास v का formula है, v is equals to under root 2gh upon 1 plus k square by r square। तो यहाँ से v square क्या हो जाएगा? 2gh 1 plus k square by v की वैल्यू अगर रूट 10 तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10, तो g की वैल्यू भी 10 ले लो इनटू h अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h की भी वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो h की वैल्यू देखो यहां से ध्यान देंगे, ये वैल्यू है हमारी h और ये वैल्यू है s, तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां से h इज इक्वल्स टू s साइन थीटा, s की वैल्यू हमारे पास है 5/3 और साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा, देखो ट्राइंगल में देखो अपोजिट की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेनस की 5, तो साइन थीटा किसके बराबर है 3/5 के, 5 से 5 3 से 3, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1, h की वैल्यू 1 है मतलब यहाँ h की वैल्यू सिंपली हो गई 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 × 1 ऑन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये सेट चला जाएगा तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, उस साइड चला गया के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 इधर प्लस उधर जाके माइनस, 2 − 1 k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब अगर ये वैल्यू 1 आई है तो एक ही पॉसिबल शेप है, देख एक या दो दो, सबसे पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर और रेडियस ऑफ गायरेशन mk स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो, mr स्क्वायर इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर, m से कैंसिल, तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 1, और यहां पर भी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 1। इसका मतलब नहीं तो ऑब्जेक्ट रिंग होगा और नहीं तो आपने चूड़ी देखा कि एक चूड़ी है वो रिंग है। अब अगर एक चूड़ी के ऊपर ऐसे बहुत सारे ऐसे चूड़ी रखते जाए, ऐसा रखते जाए, ठीक है, तो एक सिलेंडर बन जाएगा और इस सिलेंडर अंदर से कैसा होगा, खाली, इसका मतलब यह रिंग हो सकता है या फिर होलो सिलेंडर हो सकता है, होलो सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट न्यूमेरिकल भी खत्म हो चुका है। हमने इस पूरे चैप्टर के
वन शॉट वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, और ये आपने वन शॉट का न्यूमेरिकल तो देख ही लिया है, ठीक है। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें, और यार सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।